तो दोस्तों, इन दिस शॉर्ट वीडियो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनली कि आप कैसे मैक्स बॉन्टी से सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर, गाइस कितने, सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको अप्रूवल दिलाऊंगा। आपको सिर्फ ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना होगा, जैसे मैंने बताया है वैसे एकदम कॉपी करके आपको फॉलो करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आप मैक्स बॉन्टी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैक्स बॉन्टी में अप्रूवल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कई लोगों को सालों सालों भर अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्स बॉन्टी का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो में कि मैंने कैसे 5 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव करा लिया मैक्स बॉन्टी को, और क्या किया मैंने, बस ये आपको यहां प्रैक्टिकल नहीं बताया था मैंने। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आपको कैसे 5 घंटे के अंदर अंदर करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो नए हैं उनको सबसे पहले बता दो, मैक्स बॉन्टी है क्या? मैक्स बॉन्टी एक सीपीए नेटवर्क है, सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें आपको क्लिक करवाने का और उनके सामान सेल करवाने का आपको कमीशन दिया जाता है। हर तरह के कमीशन अलग अलग हैं, जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं तो वो $45, $30, $35 से स्टार्ट होते हैं। हर तरह के मतलब आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन मैक्स बॉन्टी का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पर अप्रूवल किसी को भी नहीं दिया जाता है जल्दी, ठीक है। मतलब किसी को भी नहीं दे दिया जाता है, मतलब कोई भी आके ले ले ऐसा नहीं है, लल्लू पंजू, ठीक है, वही ले पाता है जिनको पता है एफिलिएट के मार्केटिंग के बारे में। और पहले क्या होता था, इसमें स्काइपी में आपका इंटरव्यू लिया जाता था और फिर जाके अप्रूवल होता था, ठीक है। कुछ लोग इंटरव्यू के नाम से ही डर गए होंगे कि इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जैसे मान लो कि आप जाते हो कॉलेज में और आपका एक इंट्रो होता है, वहां पूछते हैं आपका नाम, पता, एड्रेस, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, तो बस यही एक छोटा सा इंटरव्यू आपका होगा जिसका जो सवाल रहेगा वो मैं इसी में बता दूंगा। मतलब एक आपको एक चिट पूरा मैं खोल के दे दूंगा जिससे आप नकल करके आराम से पास हो सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और गाइज प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो एफिलिएट ग्रुप्स में जिनको जरूरत है इन सब वीडियोस की। गाइज मैं श्योर हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा जैसा डीप में मैं जाके बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको ऑन यूट्यूब ऑन इंटरनेट इतना डीप में जाके बता रहा होगा। मैं हर चीज एफिलिएट की बता रहा हूँ, धीरे धीरे हर चीजें खोल रहा हूँ। तो प्लीज गाइज आप लोगों का भी हक बनता है कि आप भी जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग की ग्रुप्स हैं, उसमें जाके हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल पे पब्लिक को लेके आए, ताकि हम सबका ग्रोथ हो सके और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज लाइक करके मुझे भी मोटिवेट किया करें। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहला जैसे कि आपको ये जो लिंक है मैक्स बॉन्टी का आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के, उसके बाद आपको इस सेक्शन में आप आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको आपका नाम फीड करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ फीड करना है, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ फीड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी कंपनी का जो नाम है उसको यहाँ फिल करना है, उसको भी आप फिल कर देना है, ठीक है। कंपनी मतलब आपका नेम, ठीक है। फिर भी आज जैसे यहाँ पर आपने ऊपर में अपना नाम दिया, वैसे नीचे भी आपको अपना नाम देना है, ठीक है। कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी। अब जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो यहाँ पासवर्ड रख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक सेकेंड यहाँ लगता है मुझे फिल करना ही पड़ेगा, तो मैं कुछ भी फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने फिल कर लिया है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, गाइज यहाँ जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, जैसे कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपका चाइल्डहुड हीरो, आपकी सिटी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपका चाइल्डहुड हीरो कौन था, तो मैं लिख देता हूँ मान, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ आपका चाइल्डहुड नेम क्या था, तो मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन मनी, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ जो भी डालना है आप डाल सकते हो, कुछ भी जो भी देना है। यहाँ किसी का ईमेल एड्रेस आ रहा है, मैं डाल देता हूँ ईमेल एड्रेस, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, सेम वही डाल सकते हो। टाइम जोन आपका जो भी है आप उसके हिसाब से डाल सकते हो, मेरा इंडिया IST है कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ कहाँ दिख नहीं रहा है, चलो मैं डाल देता हूँ, कोई भी भर देता हूँ, ठीक है। आप अपना टाइम जोन हिसाब से डाल देना आपका क्या है, ठीक है। वेन कैन यू बी रीच, ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि आप कब अवेलेबल हो अपने इंटरव्यू के लिए, तो आपका जो भी टाइम है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी स्काइपी आईडी है या है तो यहाँ पर डाल दो, ठीक है, या तो बनाने वाले हो तो जिस नाम से बनाने वाले हो वो डाल दो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ डिड यू हियर अबाउट मैक्स बॉन्टी, तो आपको क्या लिखना है, सोशल नेटवर्क, ठीक है,
ध्यान से फॉलो करना जो जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस मांगा है, तो जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो यहाँ पर लाभ 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 भर दो। अब गाइस देखो, ये जो चार चीज है वो आपने भर लिया, बेसिक इन्फो हो गया, सिक्योरिटी, कॉन्टेक्ट और एड्रेस। अब जो पांचवा और छठवा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जो आपको एज अ टीज यहाँ पर फिल करना है, जिससे आपको अप्रूवल मिलेगा। और यही जो क्वेश्चंस हैं यही आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आपके पास जो कॉल आएगा, ठीक है। अब कॉल आएगा गाइस, तो कॉल में एक और परेशानी होती है, लोगों को परेशानी ये होती है कि वो जो होता है इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस बोलना है प्लीज मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो सेकेंडरी है, ठीक है। माई इंग्लिश लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ माई टंग, ठीक है। तो सो प्लीज प्लीज आस्क मी स्लो, देन वी कैन ट्राई टू गिव यू आंसर, वी कैन ट्राई टू फिनिश दिस इंटरव्यू, ठीक है। ऐसे करके आपको बस बात करनी है, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके साथ कॉपरेट करते हैं और वो काफी अच्छे से बात करते हैं धीरे धीरे, और आपको धीरे धीरे चीजों को समझ के आंसर वहां दे देना है, आराम से करना है, एक बार में पास हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है। सो सीधा आपको लिखना है कि आप एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस है, आप कुछ दो चार महीने से, जितने भी महीने से कर रहे हैं वो देना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस, तो आपको क्या लिखना है, मैंने अमेजोन के साथ किया है, ठीक है, मैंने कई डोमेन नेटवर्क के साथ एफिलेट किया है। बस यहाँ दो, एक ही लाइन लिखनी है कि मैंने अमेजोन के साथ किया है एफिलेट, दूसरी लाइन लिखनी है कि मैंने डोमेन वाली साइट्स के साथ भी एफिलेट किया है, ठीक है। I work with Amazon Affiliate and also some domain networks. बस इतना लिखना है, ठीक है, और फुल स्टॉप कर देना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगर आप ज्यादा बड़ा लिखोगे तो इंटरव्यू में फंस जाओगे, जहां आपका गलत होगा वहां आपको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन लिखनी है, इससे बड़ा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगा, अभी 2 मिनट में रुक जाओ, पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स, तो पूछ रहा है कि आप कैसे ऑफर्स को प्रमोट करोगे, तो आप लिखो सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, ठीक है। आई विल प्रमोट ऑफर विद सोशल मीडिया, फेसबुक एड, अदर एड्स नेटवर्क, बस इतना ही लिखना है और कंप्लीट। फिर उसके बाद लिखा है व्हाट ऑफर आर यू लुकिंग फॉर, मतलब कौन सी निश के लिए आप देख रहे हो, तो आप लिख सकते हो हेल्थ कैटेगरी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना कुछ लिखोगे यहाँ इसको फोटो खींच के रख लेना या कॉपी करके रख लेना, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस होते हैं यही वो पूछते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि योर वेबसाइट यूआरएल, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट नहीं होगी, तो आपको क्या करना है मालूम है, करना ये है कि फेसबुक पे जाना है और बहुत सारे जो अलग अलग पेजेस हैं उनका किसी का भी जिनमें लाइक्स कम है, जिन पेजेस के, ठीक है, 20,000 10,000 से कम है, या आप खुद से ही अपने नाम का यहाँ पर एक वो रख लगे, जैसे कि आपका नाम रोहित है, तो आप लिख दो www. ठीक है, rohit.com, ठीक है। वो कभी भी चेक नहीं करते हैं कि आपका वेबसाइट है या नहीं है, बस, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ आके लिख सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब गाइस ये जो है इसको छोड़ दो, ठीक है, इस अकाउंट फॉर इंसेंट टू ट्राफिक, तो छोड़, यस कर दो आप इसको, ठीक है, यस कर दो, यस कर देना, कोई भी टेंशन नहीं, इफ यस नो कर दो इसको, ठीक है, इसको नो करना है, मैंने भी इसको नो किया था, इसको आप नो कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब मैं इसको थोड़ा फील कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब ये लास्ट आ चुका है, अपना लास्ट आ चुका है, मैंने उसको यस कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब टर्म्स में आपको बस इसको सबको ओके करना है, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते ही आप जो भी टाइमिंग दिए होंगे उसके हिसाब से आपको आएगा कॉल, ठीक है, और वहां आपको सिर्फ वही चीज बतानी है जो मैंने कहा है यहाँ एक्सपीरियंस में, जो मैंने आपको बताया है जितनी चीजें, बार बार वीडियो को रिपीट करके याद कर लेना जो चीजें मैंने बताई है, और सिर्फ वही आपको बोलना है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। गारंटी देता हूँ अप्रूवल सिर्फ 10 मिनट के बाद ही हो जाएगा, आपके फोन आने के बाद, ठीक है। और एक चीज, जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे टर्म्स एंड कंडीशन, फिनिश पे क्लिक करोगे, आपको मेल जाएगा, उसको कंफर्म करना है, फिर उसके बाद आपको फोन आएगा, उसको कंफर्म करना है, फिर उसके बाद एक मेल आएगा, उसको कंफर्म करना है, मतलब 3 स्टेज होगा, और तीसरे स्टेज में आपका जो मैक्स बाउंटी है वो अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर एंड कट अप्रूवल हो जाएगा। तीन स्टेज होगा, अभी पहले जैसे ही फिनिश करोगे एक मेल आएगा उसको ओके करना, दूसरे स्टेज में आपको फोन आएगा और तीसरे स्टेज में वो आपको एक और लिंक भेजेंगे आपके मेल पे, उसको क्लिक करना, अप्रूवल हो जाएगा। और सिर्फ 5 से 6 घंटे ही लगेंगे, मतलब अगर अभी आप करते हो रात में इसको तो आप सुबह डाल देना कि सुबह मैं फ्री हूँ आप मुझे कॉल कर सकते हो अपने टाइम जोन के हिसाब से, IST GMT देख के, ये टाइम जोन है ठीक है, तो ये देख के आपको डालना है आपकी डिटेल्स और उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा कॉल। कॉल मिस मत करना ठीक है, जितने टाइम डालोगे उतने टाइम फ्री रहना, जैसे ही बात करोगे वैसे ही आपका फिनिश हो जाएगा अप्रूवल और सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा अप्रूवल। अब मैं आपको थोड़ा लॉग इन करके समझा देता हूँ मैक्स बॉन्टी में आपको करना क्या है। ओके सो लेट्स गो इन टू माई अकाउंट। सो दोस्तों हम आ गए अपने अकाउंट में मैक्स बॉन्टी के। तो दोस्तों यहाँ देखो हर तरह के कैंपेन चल रहे हैं, टॉप कैंपेन, न्यू कैंपेन, ट्रेंडिंग कैंपेन, मैक्स बॉन्टी पिक्स, रिसेंटली व्यूड, बुकमार्क ठीक है। तो आप कोई सा भी देखो, $70 पर लीड मिल रहा है। देखो मैं जो हेल्थ का सुबह बताया, जो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो दी है आपको आज सुबह, आपको लास्ट में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूंगा। तो ये देखो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो और $70 पर लीड के, मतलब सिर्फ कोई ईमेल पुट कर देता है और क्या इसका कंडीशन देखना पड़ेगा, क्लिक करके देख ही लेते हैं अब ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही देखो मैंने ऑफर को क्लिक किया ये ऑफर खुल गया। देखो इसमें क्या लिखा है, ये सेरा लैब्स करके कुछ ऑयल वेल है ठीक है, तो ये भी एक हर्बल है, मतलब एक हर्बल है, एक हेल्थ के ऊपर है, तो आप इसको आराम से बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं अर्निंग कर सकते हो ठीक है। तो आपको क्या लिखा है, कन्वर्ट अपॉन कंप्लीटेड परचेज। अच्छा ठीक है गाइस, तो ये क्या है, आपको लीड के पैसे नहीं दे रहा है, सेल करने के पैसे दे रहा है ठीक है। जैसे ही वो सैम्पल जो पैकेज है उसको लेंगे आपको पर परचेज पे $74 मिलेगा ठीक है। जो भी कंडीशन होती है इसको यहाँ पढ़ना पड़ता है ठीक है, और फिर उसके बाद आप कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो जहाँ जहाँ इन्होंने अलाउ किया है आपको प्रमोट करने के लिए ठीक है। कमीशन डिटेल आपको $70 दे रहे हैं, यहाँ पर $74 लिखे हैं, लेकिन आपको $70 मिलेगा टोटल लीड का, पर लीड का ठीक है, पर लीड मतलब पर ईमेल। तो आप इसको ईमेल मार्केटिंग से प्रमोट कर सकते हो, सर्च, मतलब हर तरह से आप इसको प्रमोट कर सकते हो, जितनी भी तरह से आप प्रमोट करना चाहो, बस एक इंसेंटिव जो मार्केटिंग होती है उससे आप प्रमोट नहीं कर सकते ठीक है। तो देखो मेरा जो कहना है आपको, जो एक सजेशन रहेगा छोटा सा, अगर आप मानते हो तो आप ज़्यादातर वही चीज़ें उठाना जो सोशल नेटवर्क पे आपको अलाउ किया गया हो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सको ठीक है। तो वही चीज उठाना, नेटिव ऐड, इंसेंटिव ऐड या कोई भी ऐड का नहीं उठाना, ज्यादातर कोशिश करना ईमेल और सोशल का जो आपको अप्रूवल मिले वही वाली चीज उठाना ठीक है। तो अब मेरा जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है, तो मैं ये चीज को कहीं पर भी स्टार्ट कर सकता हूँ ठीक है। जो कंट्री है वहां का, कौन सी कंट्री में बेचना चाहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट में, तो आपको टारगेट करके यूनाइटेड स्टेट के लोगों को बेचना होगा ठीक है। तो EPC 3.50 सा काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट है, आप इसको, इसका लैंडिंग पेज यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, क्लिक कर देता हूँ, ये देखो आप लैंडिंग पेज ओपन हो रहा है। लैंडिंग पेज क्या होता है, उसका होम पेज ठीक है, जिसको लोग देख के खरीदते हैं, जैसे कि आप किस चीज़ को देखते हो और फिर बोलते हो वाओ दिस इज लुकिंग गुड, आई वाना परचेज दिस, आई वाना बाय दिस, तो बस वही होता है लैंडिंग पेज की एक कैसे दिखता है। जैसे ये देखो ऐसे दिख रहा है, अब थोड़ा लोडिंग ले रहा है, समय लेगा ये लोडिंग लेने में, तो बस आप ऐसे देख लो ऊपर ऊपर कि ऐसे दिखता है, अब आपको अच्छा लगा तो आप खरीद लो। तो लैंडिंग पेज को भी थोड़ा देख लिया करो कि अच्छा है या नहीं है, कि प्रमोशन करेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ऑफर सेलेक्ट करके यहाँ से अपना लिंक निकाल सकते हो, यहाँ पर ट्राफिक सोर्स लिख दो कि सोशल, फिर उसके बाद आपकी आईडी मिल जाएगी, आप उसको कॉपी करना और हर जगह पेस्ट करना स्टार्ट कर देना, जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग में सेम टू सेम करते हो। तो बस यही है मैक्स बॉन्टी, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। आपको काफ़ी और चीज़ें मैं आने वाले समय में बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो अभी हम लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे है, मैं आपको पूरा एक बिजनेस जमा के दूंगा और ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन में 6-7 तरह के बिजनेस जमा सकते हो और सिर्फ 0 to 7 फिगर इनकम, मतलब लाखों रुपए मंथली की कैसे जनरेट कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा ईजी है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।